सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपके लाया हूं 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का करेंट अफेयर्स। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एसएन राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस। एसएन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त किया गया है। सीएमडी का फुल फॉर्म हो जाएगा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आरंभ 12 सितंबर 1947 को बंबई में हुआ। कंपनी पूर्णतः गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की सहायता से थी। सामान्य बीमा कारोबार करने के लिए कंपनी बनाई गई थी। 1956 से 1973 तक कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी थी। 2003 में भारतीय साधारण बीमा निगम के पास रखे सभी शेयर केंद्रीय राष्ट्र सरकार को अंतरित कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का विकसित यह मेडिकल बेड आश्रय न सिर्फ सस्ता है बल्कि कोविड 19 मरीजों को ध्यान में रखकर इसमें ऐसा फिल्टर सिस्टम लगाया गया है जो संक्रमण को बाहर फैलने नहीं देगा। साथ ही संक्रमित मरीज के सीमित क्षेत्र को भी लगातार संक्रमण मुक्त करता रहेगा। इसे साफ करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। मेडिकल बेड के ढांचे को मेडिकल ग्रेड के एक ऐसे पारदर्शी मटेरियल से बनाया गया है जो संक्रमित मरीज को पूरी तरह से पैक करके किसी भी स्थान से एकदम अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अंबाला एयरबेस। 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के अंबाला एयरबेस में आया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। राफेल विमान भारत से फ्रांस देश से खरीदे हैं। राफेल विमान को डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और भारत ने फ्रांस के कुल 36 राफेल विमान खरीदे हैं। अंबाला एयरबेस हरियाणा राज्य में स्थित है। ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय वायुसेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम देख लीजिए। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उपसेना प्रमुख एस के सोनी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष अनुप कुमार सिंह, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिर्देशक अरुण कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष राजेश रंजन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी, सशक्त सीमा बल के महानिर्देशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण श्रीधर। पेटीएम मनी के नए सीईओ वरुण श्रीधर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनिल कुमार झा। ग्रीन पैनल के कंपनी के अध्यक्ष अनिल कुमार झा नियुक्त हुए हैं। ग्रीन पैनल कंपनी लकड़ी के पैनल बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर अशोक साहनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से प्रोफेसर अशोक साहनी को सम्मानित किया है। यह पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो हाल ही में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदला है। इसकी घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। अब मानव संसाधन विकास का नाम नया नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए फिलहाल दो कैटेगरी तय की गई हैं। पहली कैटेगरी में कंटेमिनेंट जोन, रेड जोन जैसे संक्रमित क्षेत्रों के लिए लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी में सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 30 जुलाई। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम, इसकी थीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन। इस तस्करी में लगभग एक तिहाई पीड़ित बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा की प्रचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शिव प्रताप शुक्ला। राज्यसभा की प्रचार समिति के अध्यक्ष के रूप में शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जनजाति कार्य मंत्रालय। जनजाति कार्य मंत्रालय को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की IT सक्षम छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के बारे में कार्यक्रम की समग्र नीति आयोजना एवं समन्वय के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने नियमावली 1961 के तहत आवंटित विषयों के अंतर्गत आने वाली क्रियाकलाप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग एक भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें आधुनिक क्रिकेट के जेन मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसकी राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा सीटें 231, राज्यसभा सीटें 11, लोकसभा सीटें 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ग्रेट प्रिफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ईरान। ईरान देश ने ग्रेट प्रिफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ईरान देश के महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। इसकी राजधानी है तेहरान। राजभाषा है फारसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। प्रथम उपराष्ट्रपति है परवेज दाबूजी। न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख है महमूद हाशमी सेहरोदी। इस्लामिक गणराज्य की घोषणा 1 अप्रैल 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आशीष भाटिया। आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एन शिवरामन। आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ एन शिवरामन नियुक्त हुए हैं। आईसीआरए, जिसे पूर्व में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अग्रणी फाइनेंसियर द्वारा 1991 में स्थापित आईसीआरए स्वतंत्र और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। इसकी राजधानी देहरादून, सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। विधानसभा में सीटें 71 है, राज्यसभा में 3, लोकसभा में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हामिद बकायोको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आइवरी कोस्ट। हामिद बकायोको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस देश की राजधानी है यमो सुक्रो और अबीजान। सबसे बड़ा शहर है अबीजान। इसकी आजादी फ्रांस से 7 अगस्त 1960 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हेवलेट पेकार्ड। हेवलेट पेकार्ड कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने ब्रिटेन देश के साथ समझौता किया है। ब्रिटेन देश के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी देख लीजिए। राजधानी इसकी लंदन। राजभाषा है अंग्रेजी। इसकी प्रधानमंत्री है थेरेसा मे और सामग्री है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड, निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रवीना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, वे किस देश की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। रोबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, वह अमेरिका देश से है।
अमेरिका देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, राजभाषा है, संघीय स्तर पर कोई नहीं है इसकी। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति है माइक पेंस। इसकी स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन से घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776, मान्यता 3 सितंबर 1783, वर्तमान संविधान 21 जून 1788। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की जा रही है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। फ्रांस देश के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। इसकी राजधानी पेरिस, इसकी राजभाषा फ्रांसीसी, इसके राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। विधानमंडल सदन, उच्च सदन में सीनेट, निम्न सदन है राष्ट्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोटक महिंद्रा बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। सबसे बड़ा शहर लखनऊ है, इसकी राजधानी भी लखनऊ है। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के सदर निर्देशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के सदर निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बनी है। एप्पल कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। इसके संस्थापक हैं स्टीव बेजनियाक, स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड बेन। इसका मुख्यालय कुपरटिनो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। प्रमुख व्यक्ति टिम कुक, आर्थर डी लेविनसन। इसके कर्मचारी लगभग 1,37,000 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में मोबाइल COVID-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में मोबाइल COVID-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। तेलंगाना राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर हैदराबाद। राजभाषा तेलुगु उर्दू, गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी जो सरकार है तेलंगाना सरकार है, राज्यपाल इसके हैं तमिल साई सोदर राजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। विधानसभा परिषद 46 सीटें, विधानसभा में 119 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 अगस्त। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह से 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़ता पूर्वक एक साथ करने का समर्थन देता है। साथ ही इसका उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करना ही कार्यकालों में भी इस प्रकार का माहौल बनाना कि स्तनपान करने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए, इसकी राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर, इसकी राजभाषा उड़िया, गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसके राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, विधानसभा की सीट 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 20 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख निम्न में से कौन बने हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बीआर चौधरी। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बीआर चौधरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूएई। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इस क्वेश्चन के। यूएई की राजधानी अबू धाबी, सबसे बड़ा नगर जो है इसका दुबई है, राजभाषा इसकी अरबी है, राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल कत्तूम है, पहले शासी राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, दूसरे शाही राजकुमार हमीद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल तख्तूम है, मखतूम। इसकी स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 2 दिसंबर 1971 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिन लिक्विन को फिर से किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जिन लिक्विन को फिर से एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसने जनवरी 2016 में कार्य करना शुरू किया था और वर्तमान में इसके 86 अनुमोदित सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है। इसकी मदद से प्लेटफॉर्म पर होने वाली बिजली की खपत को 70% कम किया जाएगा। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस सिस्टम का प्रयोग के तौर पर लगा दिया गया है। यह सिस्टम प्लेटफॉर्म के दोनों ओर आउटर पर लगे सिग्नल की मदद से संचालित होंगे। जैसे ही ट्रेन आउटर पर लगे सिग्नलों को पार करेगी, प्लेटफॉर्म की सीमा में प्रवेश करेगी, उस प्लेटफॉर्म की 100% लाइट खुद ही जल जाएगी और जब ट्रेन यहाँ खड़ी रहेगी लाइट जलती रहेगी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होकर आउट सिग्नल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म की 70% लाइट खुद ही बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रक्षक। भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए रक्षक रोबोट को बनाया है।
भारतीय रेलवे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। पहली बार भारत में पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। यह सफर तय करने में लगभग 45 मिनट का वक्त लगा था। इसी दिन इसलिए भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाली जेगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, थियरी बुलेरो। टाटा के स्वामित्व वाली जेगुआर लैंड रोवर का सीईओ थियरी बुलेरो को नियुक्त किया गया है। जेगुआर लैंड रोवर कंपनी, लैंड रोवर कंपनी के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1922 को। इसका मुख्यालय कन्वेंट्री इंग्लैंड में है। इसके प्रमुख, देखिए, चेयरमैन इसके रतन टाटा हैं, सीईओ डेविड स्मिथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर माइक ओ ड्रीसोल है। इस कंपनी में 10,000 लोग कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है। स्विट्जरलैंड देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी बर्न, सबसे बड़ा नगर ज्यूरिच। इसकी राजभाषा जो है जर्मनी, फ्रांसीसी, रोमन्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1291, वास्तविक 22 सितंबर 1499 को हुई थी। मान्यता 24 अक्टूबर 1648 को प्राप्त हुई थी। पुनर्गठन 7 अगस्त 1815 में हुआ था। संघीय राष्ट्र 12 सितंबर 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 अगस्त। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को संस्कृत भाषा के बारे में जागरूक करना है और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को फिर से लोकप्रिय बनाना है। संस्कृत दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी है मुंबई। राज्यपाल है इसके भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नीतीश कुमार। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार ने किया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया। यह पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन कथा का संलग्न है। यह पुस्तक विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, नितिन गडकरी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा विकसित उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया। उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों के 4 दस्तकारी रेशम के मास्क होते हैं। इसमें 100% खादी सूती कपड़े की 2 अतिरिक्त परतें और रेशम कपड़े का 1 शीर्ष परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुयाना। मोहम्मद इरफान अली को गुयाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। गुयाना या गयाना
दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। इसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य में है। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। भाषा है इसकी अंग्रेजी। इस देश के राष्ट्रपति हैं डेविड ग्रेजर। प्रधानमंत्री है मोसेस नागमुस्तु। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता और गयाना बनना 26 मई 1966 को। गणराज 23 फरवरी 1970 को। वर्तमान संविधान 6 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। HDFC का फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक है विभु वर्गीय और इसके मुख्यालय मुंबई भारत में है। मुख्य व्यक्ति इसके चेयरमैन है CM वासुदेव। प्रबंधक है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य की राजधानी अमरावती में ई रक्षाबंधन की शुरुआत की। यह राज्य CID और पुलिस का एक अभिनव आवासीय साइबर जागरूकता कार्यक्रम है। साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और बच्चों में जागरूकता लाने के लिए 1 महीने का कार्यक्रम है। ई रक्षाबंधन के एक भाग के रूप में वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। साइबर अपराध विशेषज्ञ विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों पर बात करेंगे और जनता में जागरूकता पैदा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किस देश ने किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भारत। महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला भारत देश ने किया है। भारत देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी नई दिल्ली, सबसे बड़ा नगर है मुंबई। इसकी राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। इसका अधिराज्य हुआ था 15 अगस्त 1947 को। गणराज 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाला है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जयदीप भटनागर। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार जयदीप भटनागर ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3 अगस्त। हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समानता, मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंगदान में अंगदाता के अंगों जैसे कि हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय का दान उनकी मृत्यु के पश्चात जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रत्यारोपित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कॉप ट्यूब NCDC चैनल को लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने कॉप ट्यूब NCDC चैनल को लॉन्च किया है। इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और युवाओं को सहकारिता का लाभ उठाने को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय
सहकारिता विभाग एनसीडीसी के यूट्यूब चैनल सहकारिता कॉपट्यूब एनसीडीसी इंडिया को की शुरुआत की। उन्होंने हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में 18 राज्यों के लिए सहकारी समिति के गठन और पंजीयन के बारे में वीडियो भी जारी किए। वीडियो नए चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे जारी करने के बाद कहा, सहकारिता हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि नई सरकार समिति का गठन हमारी आंदोलन के दायरे में नए जीवन और समर्पण लाने की एक शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में थेजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम राज्य में थेजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, मिजोरम पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी 1987 को यह भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को यह पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, सबसे बड़ा शहर आइजोल। इसके राज्यपाल हैं पीएस श्रीधर पिल्लई, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। विधानसभा की सीटें 40, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत निम्न में से किसने की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बीएसएनएल। भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत बीएसएनएल ने की है। बीएसएनएल का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 21वीं सदी में 2000 में। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधक है प्रवीण कुमार पुरवार। इस कंपनी में 70,000 लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, किरेन रिजिजू। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को खेलो इंडिया योजना की पहली जनरल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की और स्टेट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी शुरू की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, टेक महिंद्रा। एक महिंद्रा आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी शुरू की है। टेक महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सेज सेवाएं प्रदान करती है। महिंद्रा समूह की एक सहायक कंपनी का मुख्यालय पुणे में है और इसका मुंबई में पंजीकृत कार्यालय है। इसके सीईओ है सीपी गुरनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने आईआईएम्स सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। शिक्षा मंत्री ने आईआईएम सिरमौर की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी है। आईआईएम का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसकी राजधानी शिमला, सबसे बड़ा शहर शिमला। इसकी राजभाषा हिंदी। इसकी गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। इसके राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इसकी विधानसभा की सीटें 68, राज्यसभा की 3 और लोकसभा में 4 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डीडी असम चैनल 24/7 लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को डिजिटली तौर पर डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल और प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पति ने चैनल के लॉन्चिंग समारोह को वर्चुअली संबोधित किया।
इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 24/7 की तर्ज पर शुरू किए गए सैटेलाइट चैनल डीडी असम यहां के लिए एक तोहफा है जो विविधता में एकता का संदेश है। उन्होंने कहा, असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्राकृतिक विविधता और संस्कृति समृद्धि से परिपूर्ण है और यह एकता के सूत्र को आगे बढ़ाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य का अपना दूरदर्शन चैनल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फेसबुक। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान का अगला चरण शुरू किया है, मोर टुगेदर, यह प्रदर्शित करने के लिए कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में देश भर के लोग एक साथ मंच पर अपने कनेक्शन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। फेसबुक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में, है ना, संयुक्त राज्य। संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, मुख्यालय पालो आल्टो कैलिफोर्निया में, इसके सीईओ भी मार्क जुकरबर्ग हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी में विशाल धमाका हुआ है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लेबनान। लेबनान देश की राजधानी में विशाल धमाका हुआ है। लेबनान देश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी है बेरूत, राजभाषा है अरबी और फ्रांसीसी, इसके राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान, प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी और सांसद के अध्यक्ष हैं नेबी बेरी। इसकी घोषणा हुई थी 26 नवंबर 1941 को और इसकी मान्यता हुई थी 22 नवंबर 1943 को, फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 अगस्त। हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया था। इस बम के प्रभाव से हिरोशिमा की 3.5 लाख आबादी में से 1,40,000 लोग एक ही झटके में मर गए थे, इसलिए इसमें अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां थी। इसके तीन बाद जापान के नागरिकसा शहर का दूसरा फेड बैम बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल मनोज सिन्हा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, यह मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ है। इसकी राजधानी रायपुर, सबसे बड़ा शहर रायपुर, इसकी राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इसके राज्यपाल है अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानसभा की सीटें हैं 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला हिंद तेलुगु संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश का पहला हिंद तेलुगु संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, इसकी राजधानी देहरादून, सबसे बड़ा शहर देहरादून, इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। विधानसभा में सीटें इसकी 71, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर।
आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को धूप से सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा, अमेजोन। भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए अमेजोन के साथ समझौता किया है। अमेजोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, इसके संस्थापक है जेफ बेजोस। इसका मुख्यालय है सिएटल वॉशिंगटन अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। हरियाणा राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, इसकी राजभाषा हिंदी और पंजाबी और हरियाणवी। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इसके राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने विज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश ने विज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स क्यू ब्राउन। अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख चार्ल्स क्यू ब्राउन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश के हथकरघा बुनकारों का सम्मान करने के लिए और भारत के हथकरघा उद्योग पर रोशनी डालने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघे के योगदान और बुनकरों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए केंद्रित करने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। टिक SFTS वायरस चीन देश में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2020 के इंपैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कलीपुरी। कलीपुरी को इंपैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कलीपुरी इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयर पर्सन है। यह पुरस्कार एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पर्सनल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, देवलाली। भारत की पहली किसान स्पेशल पर्सनल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली शहर से शुरू हुई। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, पहली किसान रेल शुक्रवार को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना होगी। यह स्पेशल पार्सल ट्रेन है जो जल्द खराब होने वाली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंचाती है। इस ट्रेन का इस्तेमाल मुख्य रूप से फसल और सब्जियों की ढुलाई के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर OHE का फुल फॉर्म हो जाएगा ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। यह ऐप तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। ऐप के समूचे देश में जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें खामी आती है तो तब भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS आधारित पेट्रोलमैन ट्रैकिंग ओवरहेड उपकरण खामियों की वास्तविक समय कैप्चरिंग कर और फोटो लेने का प्रावधान है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं। रेलवे के जो राज्य मंत्री हैं वो सुरेश अड़ानी हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने अपने मैनेटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश ने अपने मैनेटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका देश के बारे में जानकारी देख लीजिए, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस। इसकी स्थापना ब्रिटेन से हुई थी। आजादी घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776 और संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 21 जून 1788 को। निम्न में से किस राज्य ने वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए, इसकी राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इसमें राजभाषा हिंदी और पंजाबी है। इसके राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा प्रदीप जोशी। UPSC का नया अध्यक्ष प्रदीप जोशी को बनाया गया है। UPSC का फुल फॉर्म होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसके बारे में जानकारी देख लीजिए, भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई लॉन्च पुस्तक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशंस को किसने लिखा है। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा यतीश यादव। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशन को यतीश यादव ने लिखा है। इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए एक वीरतापूर्ण कार्य का संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। वरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत किस स्थान पर रहा है। चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा चौथे। वरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, वरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न 2019 की सूची में भारत की 21 कंपनियां शामिल थी। इस बार सूची में एक भी यूनिकॉर्न की संख्या नहीं बढ़ने के कारण भारत सूची में तीसरे से चौथे पायदान पर खिसक गया है। अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए, इसकी राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, राजभाषा गुजराती, गठन हुआ था 1 मई 1960 को, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 26 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा, हर्ष कुमार धनवाल। कैप्टन इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष कुमार धनवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नीना राय। नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझ ने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लोस्मेरी द्वारा किया जाएगा, लेकिन अन्य प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना करना है, ताकि पाठक खुद को अतीत से जुड़ा हुआ महसूस करे और पुस्तक की सामग्री समकालीन दिखाई दे। किताब इस साल नवंबर में रिलीज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि इंडिया ऐप लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, इसकी राजधानी बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु, इसकी राजभाषा कन्नड़, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राजपाल है बिजू भाई वाला, मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा, विधानसभा परिषद में 75 सीटें, विधानसभा में 225 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। यह दक्षिण भारत का एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। बांग्लादेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, इसकी राजधानी ढाका, सबसे बड़ा शहर और नगर भी ढाका ही है, इसकी राजभाषा बंगला, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति और अध्यक्ष अब्दुल हामिद, इसकी स्वतंत्रता पाकिस्तान से हुई थी, इसकी घोषणा 26 मार्च 1971 को और इसका विजय दिवस होता 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, DAIT। DAIT ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। इसमें फ्रेंड्स DAIT का फुल फॉर्म हो जाएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अदर ऑप्शन की बात करें, DRDO, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ADB का फुल फॉर्म हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बेजाल हैं,
इसकी राजभाषा हिंदी है, अतिरिक्त भाषा पंजाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, पीएस रानी पासे। सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक पीएस रानी पासे नियुक्त हुए हैं। सीआरपीएफ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी है, और मोटो सेवा और निष्ठा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से बिस्मिल ने के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के दास जुझारू कार्यकर्ताओं ने कांकोरी कांड किया था, जिसकी यादगार ताजा रखने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को कांकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एसआईडीबीआई। एमएसएमई सक्षम पोर्टल एसआईडीबीआई ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसमें एमएसएमई का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और एसआईडीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अदर ऑप्शन देखते हैं, आरबीआई, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एडीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वीवो। बीसीसीआई ने वीवो कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है। वीवो एक चाइनीज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 90%। आरबीआई ने बैंकों को सोना के मूल्य पर 90% तक लोन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यस बैंक। एलआईसी ने यस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुकुंद लत का निधन हुआ, वे कौन थे? चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इतिहासकार। मुकुंद लत का निधन हुआ, वह इतिहासकार थे। हाल ही में एनएचएआई ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा, आईआईटी दिल्ली। एनएचएआई ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है।
NHAI का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लोगों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व भर में स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रेसिलियंस है। वीडियो को पूरा अंत देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह सोशल नेटवर्क साइटों पर सभी जगह शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो पाए। शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड।